सभी व्यूअर्स को नमस्कार। तो आज मैं आपको ये जो परफेक्ट बाइंडिंग मशीन है इसके कुछ स्पेशल बटन्स के बारे में बताऊंगा, जो जनरली आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे तो मैन्युअली बहुत कुछ इसमें बटन्स दिए थे। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन दिया रहता है, तो टच स्क्रीन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली जो बटन्स दिए रहते हैं उनके बारे में बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से बटन्स दिए रहते हैं और उन सब बटन्स का उपयोग जो है आपको कहाँ पर किस सिचुएशन में और किस टाइप करना है, तो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो में मैं इससे पहले 2 वीडियो इसका डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें जो है 1-2 चीज़ों को मैं बताना भूल गया था, जैसे इसमें जो ग्लू किस टाइप का यूज़ होता है और ग्लू को कैसे मशीन में डालते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें जो सन कटर को कटने के बाद जो डस्ट निकलता है वो कहाँ पर जमा होता है और उसको क्लीन कैसे करते हैं, तो उनको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, साथ में वो भी कवर हो जाएगा। तो देखते हैं ग्लू, इसमें इस मशीन में जो ग्लू यूज़ होता है ये जो है लगभग इंडिया में आपको इस टाइप का मिलेगा। ज़्यादातर ये 25 किलो के बोरी में आता है। ये यूरिया या साबुदाना टाइप का रहता है, इस टाइप के दाना के रूप में आपको मिलता है। जनरली कंपनी वाले थोड़ा सा बड़े साइज में स्क्वायर शेप में दिए थे, लेकिन इंडिया में ये ज़्यादातर मैं देखा हूँ ये दाने के रूप में मिलता है। ये जो ग्लू है ये आपको 200 से 300 रुपये के केजी के रूप में, कभी कुछ और स्पेशल आते हैं 400 रुपये केजी तक मिलते हैं। तो आपको ये मार्केट में अलग अलग रेट में ग्लू मिल जाएंगे। ये मेरा जो है 275 केजी के वाला ग्लू है। इसको जो है आपको इस तरह से आपको ऊपर से जहाँ पर उसका ट्रे देता है जहाँ पर ग्लू रहता है उसमें आपको डालना पड़ेगा। इसमें जो है आप डायरेक्ट इसमें सीधा डाल सकते हैं, लेकिन साइड ग्लू में भी आप जनरली कंपनी वाले तो अलग अलग ग्लू दिए थे, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर दोनों मेरे को बोले मशीन वाले कि दोनों में सेम ग्लू यूज़ कर सकें। देखिए मेल्ट होने के बाद ये ग्लू ऐसा हो जाता है। देखिए टेम्परेचर 260 में सेट किया था, उतने उससे ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर ग्लू जो है इसके बाद बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब मैं आपको स्विच के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बुक फीडिंग वाला एरिया है यहाँ पर जो क्लैंप करने का स्विच रहता है, देखिए यहाँ पर स्विच है, इससे आप बुक फीडिंग एरिया उसको आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग दिया है, लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो इसी बटन से आपको क्या करना है, इसको क्लैंप को बुक फीडिंग क्लैंप को आगे पीछे करना है। तो ये एक बटन है पहला। अब आ जाते हैं दूसरे बटन की ओर। दूसरा जो अच्छा दूसरा मैं बटन नहीं, पहले आपको इसके बारे में बता दूँ कि जो सन कटर जब कुछ काटता है तो उसका जो डस्ट निकलता है उसको कहाँ क्लीन करते हैं, इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। ये जो ऊपर में सन कटर रहता है वो जब काटते जाता है तो इस टाइप के इसमें डस्ट निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने के रूप में इसमें सब वो निकलते हैं। तो ये जो है इसको आप इसको रस्सी खोल के आप ऐसा इसको कभी भी झड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। तो जो सन कटर जो काटता है, जो टुकड़ों में पेपर काटता है, वो यहाँ पर इस जगह पर इस थैली में जमा होता जाता है। ये है आपका स्पाइन ग्लू के थिकनेस को सेट करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये बटन तभी काम करेगा जब ग्लू मेल्ट रहेगा, मतलब ग्लू जब मशीन में ग्लू पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, स्टार्ट मोड में आ जाएगा, तब ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये पट्टी जो है ऊपर नीचे होता है। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी पट्टी नीचे रहेगा, तो उतने ज़्यादा ग्लू लगेगा पीछे स्पाइन में, और जितना स्पाइन में ज़्यादा ग्लू लगेगा उतना ही मोटा आपका ये होगा। तो इसको आप कर सकते हैं। एक है इमरजेंसी स्टॉप बटन, ये जनरली सामने में रहता है, इसको आप दबा के क्या है इमरजेंसी में अगर आपका मान लो किसी कारण से कुछ गिर गया मशीन में और आपका अचानक रोकना है तो आप इस बटन को दबा देंगे तो मशीन में अपना मूव करना रोक देगा। अगला है स्पाइन में जो कवर को कर्व और स्क्वायर बनाने का, देखिए कवर को ध्यान देंगे, एक में मैं राउंड किया एक में स्क्वायर। ये जो नॉब बने हुए हैं इसको आप लेफ्ट साइड या राइट साइड घुमा के प्लस और माइनस कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो ये जो है स्क्वायर शेप बनेगा, और अगर आप माइनस में रखेंगे तो कर्व बनेगा। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बटन दिए रहते हैं इसी नॉब के ऊपर में, ये काम नहीं करते इस मशीन में, कोई यूज़ का नहीं है। केवल आप अगर आपको स्क्वायर शेप करना है तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड आगे पीछे बुक के दोनों के लिए आपको इस नॉब को ही घुमा करना पड़ेगा। तो एक साइड जो है स्क्वायर शेप बनेगा, दूसरे साइड में कर्व बनेगा, इसमें लिखा हुआ है। लास्ट है रन बटन, ये जो रन बटन है ये मशीन को मैन्युअली रन कराने के लिए, जबकि डिस्प्ले से ही ऑटो रन भी करा सकते हैं। डिस्प्ले में स्टार्ट बटन दिया रहता है, लेकिन आप यहाँ से भी रन करा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।